हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो भी स्वागत है रिजन राठी के ब्लॉग में। यहाँ पे ना पैरों में बहुत बड़क हो रही है मेरी, मैं समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया है। जब से फीवर हुआ हाथ पैर में बहुत बड़क होने लग गई मेरा। ना कि पैर में जनू जोड़ है ना उंगलियाँ के, इनमें बहुत दर्द हुआ है। ये मोहन जा रहा गोबर डालने, और हम शाम ने उठे आज 4 बज रहे हैं भी। तो दिन में टाइम को ना, आज तबीयत अच्छी ठीक को ना रहती तो पूरा दिन को ना ब्लॉग बनाया जाता। इस वजह से हम खाली ही उठे हैं। बालक बुलक आ गए थे स्कूल में, तो आराम कर रहे हैं अभी सब जने। तो हम खाली चाय चुए बना ले। मैं मौसम सही हो रहा है, नैना आ रही है, नैना अपना काम कर रही है, बालक सोन लाग रही हैं, सब सोए थे। दोपहर में खाना खाया था हस्बैंड जी ने, 3 बजे से आए थे बाहर से, तो थाली यहीं रख दी थी। ले थाली वगैरह उठा कर, बर्तन वर्तन रखा हूँ सारे उठा कर। मगर नैना दो देगी इतने, मैं बनाऊँगी फिर चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। इतने मोहन भी गोबर घेर का आ जाएगा। और हमने आज गेहूँ धोए थे सुबह, हस्बैंड जी ने धोए थे। मेरे बस की तो है नहीं इतना काम, क्योंकि मेरे पे अभी काम नहीं हो रहा ज़्यादा कुछ भी। तो चाय बना लूँ फिर हमने गेहूँ इकट्ठे करने हैं, इस वजह से मंगा ले। ये तो आराम कर रहे थे, आ गए थे 3 बजे से, बाहर गए थे किसी काम से, फिर चाय बना कर आज मखा बाहर बैठ कर पीवेंगे चाय को ना। भीतर ही मौसम थोड़ा सही होने लग गया ना, तो बाहर भी ठंडक सी रहा है। तो बढ़िया करके अपनी चाय बना ली 2 कप, फिर बालक भी सो जाए स्कूल में, तो आगे मखा रेस्ट कर लेंगे। रात ने पढ़ाई कर ली है, आराम तो फ्रेश हो गई। इस वजह तो मैंने सोवा दिया करूँ स्कूल में, ताते सो जाए रोटी खा के, मखा रिलैक्स से हो जाएंगे। जब शाम ने पढ़े हैं तो बढ़िया माइंड फ्रेश होकर, मतलब पढ़ाई करें, न्यू बर्डन सा ना रहता है, अभी पढ़ना रहता बच्चे, थोड़ी देर रिलैक्स। इसे प्यार ना तुम थक गए तो मैंने बैठा रखा तुम में तो इसे सब प्यार तो इन सुना टाइम आ गया भाई। ये वहां पर घूम पांच लाल लपक और क्या ते रो रो रहा क्यों फिर तू चलना इकट्ठे करवे हम केले कर ले भाई। रोवाना फिर रोवाना इतना ना मरेगा ते रो रहा कर रहा है तुम तो केले कर ले भाई इतनी हिम्मत भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो भैया आज तबीयत तो ठीक है नहीं, अभी इतनी ज़्यादा बोलने की हिम्मत सी भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत अपना व्लॉग बना ले, मैं कई दिन हो गए मैं कहा बनाया नहीं है अपने काम पर। करें अपना काम शुरू। तो भैया आज हमने गेहूँ धोए थे सुबह, मेरे बस की ना इन धोए थे, इन धोए थे, मोहन ने धोए थे और सविता ने भी फैलवाए थे। तो भैया गेहूँ इकट्ठे करेंगे सारे जने मिल के, और बच्चे भी आने लग रहे हैं। 2 कट्टे धो दिए, क्यों आगे सर्दी का मौसम आने लग रहा है। बिन है फिर दिन में किसी दिन वो करके छान कर दर देंगे जार के। तो बार बार मैं रोज़ रोज करना तो अच्छा है, तो गेहूँ इकट्ठे कर ले मैं एक बार पहले। चाय चुए पी का भी आई नीचे थे, तो सब जने आ रहे, बच्चे भी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब मिल कर करवा देंगे। मैं झाड़ू कर दूँ, झाड़ू तो इकट्ठे करूँगी। चप्पल निकाल ले चल, सूखे ना लग रहा है। देखो एक दो बार और हल्के चादर पर डलेंगे, करवटे सारे हाथ पे। अक्षित का भी खांसी हो रही है, पीछे कर ले, यो भी खांसी होगी इसका भी, पता नहीं क्या हो गया। हमारी तो बंद नहीं हुई, इसका और शुरू होगी, शहद पियोगा ये भी, ये ओरिजिनल शहद है, ओरिजिनल रजत लेके आया था सोसाइटी में, तक किसी ने ला के दिया था। और पी ले थोड़ी सी, पियोगा मीठा लग गया।
ना खट्टा लगा भाई खट्टा खट्टा ले ले सीधा कर इसने चल पी जा रात ने लेके पिया सोया करे रुक जा हल्दी वाला दूध ले लिए पीले हल्दी का दूध ना हाँ पी लो कड़वा लगेगा अरे कुछ ना लगता एक बार बिना दूध में ठीक है चल इधर से भी दबा दे लो भी चादर चेंज कर दिया कई दिन हो गए थे चादर वगैरह चेंज करने की हिम्मत सी नहीं हो रही थी आज थोड़ा मैं खाली कर लूं वो भी धुल जाऊंगी दोनों पे वाइट चादर बिछा रखी थी और ये दोनों चेंज कर दूं गंदी तो हो जा हाथ पैर लग जा बेटा तकिया उधर रख अकिया तकिया लगाइए सीधे करके उधर बैग बैग हटाओ इधर रखो स्टडी टेबल पे वो वाह 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 रिंग लाइट जमा वहां लगाओ वहां ना लगा इसको सामान हटाओ मेरे पतले तकिए दे दे लो दोनों मिलकर बदलो चादर वो वाली दे क्लेचर गिरा दिया नीचे इस हाथ से बिल्कुल वजन नहीं उठ रहा पता नहीं क्यों ड्रिप लगी थी इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ से बिल्कुल भी वजन नहीं उठ रहा है चल बिछवा और बेसन की रोटी रिंग लाइट का कई दिन से कोई यूज ही नहीं हो रहा बंद पड़ी है रिंग लाइट बेचारी सुननी सुननी पड़ी है मेरी रिंग लाइट हाँ ये थोड़ी बड़ी है उधर खींचने में कह रही सलमेट इधर आ गई है क्या कल पूरी का मैं लग गया है फटाफट चलो चुप भी हो जाए अगर तो भाई डिनर का टाइम हो गया है हस्बैंड जी ने चला रखी साथ में मूवी अक्षित भी बहुत शौक है इन्हें टीवी देखने का इसको तो बहाना चाहिए खाना खाते हुए चाहे गेम देखे कुछ भी देखे तो हमने बनाई है कढ़ी और आलू गोभी की सब्जी थोड़ा टेस्ट सा चेंज हो जाता मखा इसलिए बना ली लाइट ना आया लो पूरा भर दो पकड़ तो लो मैं पकड़ता हूं अरे मैं पानी डाल रही हूँ इसमें दबा पानी बैठ कर लस्सी दूध खड़े हो गए बस हाँ कड़वा लागे सब कुछ इतना अजीब सा हो रहा है टेस्ट और मतलब अजीब सी स्मेल आ रही फीवर की अंदर से ना किसी भी चीज की मतलब इतना तो खुशबू आ रही है अजीब सा टेस्ट हो रहा पता नहीं क्या हो गया ठीक नहीं है लो भाई बालक दिखाऊं क्या कर रहे हैं बालक बालको कित गए वाह वाह लाइट गई हुई है सारे घर की लाइटें पंखे क्या बोलता है जानी तुम तो कह रहे थे फुटबॉल खेल रहे हैं खेल क्या है दीदी को पैर में लग गई मेरे दीदी को पैर में मार दी फुटबॉल चोट लग गई लग गई होगी तभी तो बैठी आराम से अरे नहीं पढ़ाई कर आ गया अच्छा बाहर की लाइट आ गया यहां का सारा कभी दिखाओ यहां ऐसे सारे क्या कर रखे वाओ दीदी ने तोड़ दिया कैसे तोड़ा दीदी ने इससे खेल रही थी ऐसे दीदी ने खेल रही थी दीदी मैं इसे पूरी किट को मार ऐसा था ये दीदी ने ऐसे उड़ाया ये नीचे गिर गया सीधा बस गया तो है था दीवार पे कलर लग गया ना तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे इसको बाहर रख देना इसे यहाँ से हटा दे जहाँ जहाँ कांच डला वहाँ देख ले कदे किसी पैर में ना लग जाए बस ये बच्चे होमवर्क कर रहे थे अक्षित यहाँ पे पढ़ रहा था गुड़िया यहाँ पे पढ़ रही है
अक्षित भी अपना खुद पढ़ाई कर रहा था, लाइटें वाइटें बंद करवा दूं। तबीयत को ना कती ठीक, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। हाँ ना मैगी नहीं बनाऊंगी ब्रात ने, नहीं बनानी मैंने मैगी, रोटी खाली सब काम, मैगी का कोई टाइम होया ना। 10:30-11 बजन हो रहे हैं। अकी लाइट बंद करा जा एक बार, नहीं ऑल की देख सड़क की जल रही है, सड़क की भी जल रही है भाई, लाइट ना के ब्रेक किस टाइम आओगी, सुबह तक इन्वर्टर चलेगा तब की बात है। चलो होमवर्क देख चेक करूंगी तेरा। अच्छा खड़ा हो ले, होमवर्क चेक करवा ले पहले तो सारा। चल चल बाहर चलो, क्या जिम करे भाई, जिम पहले कर दी, पेट ही पतला कर दिया मोटा मोटा कह दे सब, तब लैन में लगा दिया पेट में, ऐसी बीमारी बुखार गया है, बहुत हालत खराब हो रही, सिर में भी दर्द है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा, खा रहे हैं जबरदस्ती बस। इतना बुरा हाल हो रहा है हर घर में, आदमी पड़े यहाँ पे हर घर में बुरा हाल हो रहा है। अंडे को हमने पीना चाहिए, पेट सही कर दिया। हाँ जिम जाया जा रहा है अब, जिम पहले ही जिम होली घर पड़े पड़े ही, हालत इतनी खराब हो ली ना, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, कुछ भी नहीं, बस जबरदस्ती कभी सोचते हैं ये वाला चीज खा, इतना दिमाग खराब हो गया तो खांसते ही सिर की सारी नसें इतनी खींचती हैं, बहुत दर्द करने लग जाती, सेम इनको सेम पूजा को भी और सेम मुझे यही सेम खांसी हो रही है, फीवर तो नहीं है पर इतना कड़वापन है ना अंदर से, मुझे तो बहुत ज्यादा स्मेल भी आती है, मतलब ऐसे फीवर में आती है ना जैसे, तो खाने वाने में तो कुछ भी नहीं आ रहा, टेस्ट अजीब सी स्मेल आती रहती जैसे फीवर में आती है, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा पता नहीं कितना फीवर हो गया शरीर में, कड़वापन बहुत है मुंह में, टेस्ट भी नहीं आता कुछ भी खा लो, चाहे कभी सोचो बिस्कुट खा लूँ, कभी कुछ खा लूँ, कभी कुछ खा लूँ, टेस्ट की वजह से किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आता। फिर सब्जी भी अलग अलग बनवाते हैं, क्या चटपटी सी कुछ सब्जी बना लें, ये बना लें, ये कड़ी लेते ही ना पता क्या नींद आ जाती है, जैसे ही दवाई लिया दे पौने घंटे बाद यूँ नहीं पता रहता कित पड़े हैं कितनी बुरा हाल हो जाए, यूँ इनका हाल है यूँ मेरा है ना, तो वो ज़्यादा कुछ भी काम कर पा रहे हैं ना, ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पर कुछ काम एक्टिव रह पा रहे हैं, जैसे इंस्टा पर भी रील बहुत कम बना रही हूँ, कुछ भी नहीं होता, और कई दिन तो ही साथ में वो रहा ना कैनोला लगी हुई थी तो कुछ भी मतलब हुआ ही नहीं साथ से, तो ना व्लॉग एडिट हुआ ना पकड़ा गया फ़ोन तब, और अब भी ना हाथ दुखता है कुछ भी, 1 किलो वजन भी नहीं उठ रहा हाथ से, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि उसमें से ही कई बार खून भी लिया था ना वो जाँच वगैरह हुई तो इस हाथ से ही, अभी वही हाथ मेरा मतलब उठ भी नहीं रहा है ज़्यादा, जैसे एक डिब्बा भी उठा लूँ ना ऐसे 1 किलो वजन का तो उसमें एकदम से दुखने लग जाएगा बहुत बुरी तरह। आज का अपना छोटा सा ये व्लॉग मैंने मखा चलो आज शूट कर लेते हैं, थोड़ी धीरे धीरे आदत पड़ेगी ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे और बोल नहीं रहे हैं क्योंकि खांसी इतनी उठ जाती बोलते बोलते बीच में अजीब सी, और सिर पेट सब की नसें खींचती हैं बुरी तरह, बहुत दर्द होता है सिर में भी, पेन होने लग जाता है, भड़क हो रही बहुत, जैसे ही हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे सब जने फिर अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगे, और त्यौहार आ रहे हैं आगे, त्यौहार की तैयारी भी करनी है, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे यार, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग जिन लोगों ने बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नए हैं अभी किया है उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद, और आप सभी की वजह से आज मैं यूट्यूब पर भी हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह पर हूँ, और आपका इतना प्यार मिल रहा है सब जगह से, हस्बैंड जी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप इतना हस्बैंड जी को बहुत पसंद करते हैं बहुत लोग, क्योंकि सादे बोले सिंपल आदमी हैं थोड़ा बहुत, मैं तो हूँ भी कि आजकल के ज़माने के साथ चलती रहती हूँ, ये अपने देसी आदमी सही है कहते, मतलब इतने देसी का यो मतलब नहीं है, देसी यो है कि मतलब ज़्यादा 3-5 नहीं करना आता, सादगी भरे आदमी हैं वैसे, ज़माने के साथ चलने वाले हैं ये तो। तो भाई दूध दाद बना दू भी इनका, हल्दी गिर का दूध देना पड़ेगा, कैया ने कह लिया कि खांसी में हल्दी गिर का दिया करो, वैसे भी हल्दी डाल के लिए मैं ये, पर कुछ भी आराम सा नहीं हो रहा है, शहद भी पी रहे हैं, पता नहीं कई दिन में जाकर ठीक होंगे, वीकनेस इतनी ज्यादा आ रही है मैंने तो बहुत ज्यादा,
मैं तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ी देर ज्यादा चल भी लूं ना तो पसीने पसीने आ जाते शरीर में, पता नहीं क्या हो गया। जब से उस दिन से मैं गिरी हूँ ना चक्कर आके, उस दिन से बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। उससे पहले तो मैं ठीक थी, चाहे भले ही फीवर आ रहा था पर इतनी वीकनेस नहीं थी। उसके बाद अब वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है जब से मैं गिरी हूँ चक्कर आके। ऐसा होगा एकदम से पसीने आ जाएंगे पूरे बालों में, अरे ऐसे ही मुँह एकदम हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं थोड़ी देर भी, मतलब ज्यादा चल लूँ या कुछ काम कर लूँ ना तभी। तो भी आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट।